मैंने पहले भी कहा होगा आप लोगों को, जब भी कोई चीज पूछनी हो आपने हमारा जो ग्रुप है या टेलीग्राम का, वहां आके पोस्ट कर सकते हैं। और दरअसल मैंने आज इसीलिए थोड़े से एमसीक्यू के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं डिफरेंट जगहों से, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि जो पूल जो पिछले क्वेश्चंस आते रहे हैं सालों में, उनका पैटर्न क्या होता है और हम आपसे क्या तवक्को कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन पहले कि हम यहाँ चलें, कुछ आपके सवाल, कुछ आपका चारों फीडबैक राइट नाउ, कि हमारा लास्ट सेशन है मेरे इस एमसीक्यू के बाद हम आपको देंगे हमारा एक रिकॉर्डेड लास्ट सेशन ऑफ हेमाटोलॉजी, बिकॉज हेमाटोलॉजी ऐसी चीज है जिसमें सवाल आते हैं और हम टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो आगे बहुत काम आती है आप लोगों को तमाम क्लिनिकल साइड पे। सो उसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, एनीमियाज जो है उनके बारे में बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, कि एएमएल क्या है, उसका टेस्ट कौन सा है, एएलएल, यू नो इस तरह की चीज, सीएमएल, तो इस तरह की आपको चीजें पता होनी चाहिए। बट राइट नाउ द फोरम इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, पूछिए मुझसे, आपको देता हूँ 5-10 मिनट्स। एनी क्वेश्चंस तो बताइए जी जनाब। एनीबडी देयर? आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? यस सर। सर सर आई वांट टू आस्क, विच पैथोलॉजी, विच बुक, दो तीन है, USMLE का जो स्टेप वन फर्स्ट एड है वो अच्छी है, BRSP अच्छी है, लेकिन मेरा अपना जो है ना एक्सपीरियंस वो कहता है कि देखिए अव्वल तो रॉबिन्स ही बेस्ट है, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता और बहुत चीजें चल रही होती हैं, मेरे सारे नोट्स जो है ना जो आपको ने पढ़ाए हैं ये सारे रॉबिन बेस्ड थे, तो आपकी रॉबिन्स तो यहाँ से कवर हो जाएगी, नो वरीज फॉर दैट, क्योंकि मेरी हर वर्डिंग रॉबिन्स की है और रॉबिन्स बेसिक बुक है। लेकिन हाँ, अगर आप साथ कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए BRS इज मोर आई थिंक मोर रीडेबल, और उसमें काफी आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। सो मेन रिकमेंडेशन तो BRS है, बाकी लोग कुछ स्टेप वन को भी पढ़ते हैं, लेकिन बट आई थिंक यू सी BRS इज मोर बेटर। हाँ, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पार्ट जो है वो आप उसमें से कर लें, बाकी यहाँ से तो बेटर है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। थैंक यू। एनी टाइम को बचना नहीं है, चलिए हम कुछ एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको दिखाता हूँ मैं एमसीक्यूज के पैटर्न, और अगर कोई कंफ्यूजन हो किसी एमसीक्यू में तो फौरन पूछ सकते हैं, राइट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने, एपिथेलियल सेल नियोप्लेजिया आर कॉमन विद, अब ये सवाल बेतुका है फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ वो पूछना चाह रहे हैं कि बेसिकली मार्कर कौन सा है एपिथेलियल सेल। मैंने बताया था आपको कि जो IHC होती है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इसमें हम ट्यूमर की जो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टेन के थ्रू हाईलाइट करते हैं, तो उसमें जो आपके एपिथेलियल मार्कर था वो कौन सा था? साइटोकेरेटिन। तो आप देख रहे हैं कि साइटोकेरेटिन वो केरेटिन प्रोटीन्स होती हैं, जो कि आपके साइटोस्केलेटन में पड़ी होती हैं एपिथेलियल सेल्स के। अगर आपको H&E स्टेन पे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कार्सिनोमा है, स्क्वैमस सेल है और या एडिनो है या ट्रांजिशनल है, और बहुत ही वो खराब ट्यूमर है, तो हम उसके लिए फिर करवाते हैं इम्यूनो स्टेन, फाइन, तो वो करवाते हैं, तो उसमें ये साइटोकेरेटिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेन है, ये बेसिक मार्कर है एपिथेलियल सेल्स का, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद, एनीबडी? तो खैर जवाब लिखा हुआ नीचे, शायद आसान ही है, एच पायलोरा है। ठीक है ठीक है ठीक है, एच पायलोरा है। आप जानते हैं ना कि जो मशहूर सवाल है MBBS में हम देते होते हैं जब एग्जाम बनाते हैं, मैंने कुछ चार एक बनाया पेपर्स रिसेंटली स्पेशल पैथोलॉजी के, तो उसमें एक बड़ा पेट सवाल है कि एच पायलोराय इज एसोसिएटेड विद 4 लीजन्स, उसमें पेप्टिक अल्सर है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, लिम्फोमास हैं, वो भी करता है एच पायलोराय। इनफैक्ट एच पायलोराय स्टूडेंट्स इज द ओनली बैक्टीरियम जो कि मेलिग्नेंसीज के साथ रिलेटेड है, बाकी ज्यादातर काम सारा संभाला हुआ वायरसेस ने और वही इसी काम पे लगे हुए हैं, लेकिन एच पायलोराय अगर बैक्टीरिया नजर आए ना, दैट्स व्हाई हर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो है वो बायोप्सी करता है फॉर एच पायलोराय, अगर उसमें भी ना आए और सिम्टम्स सही नहीं हो रहे हैं तो फिर हम जाते हैं टूवर्ड्स एच पायलोराय एंटीबॉडीज, वो हम करवाते हैं स्पेशलाइज टेस्ट। यूरिया ब्लड टेस्ट वगैरह सपोर्टिव जरूर है, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं हो सकता, ये सपोर्ट करते हैं आपके डायग्नोसिस को, यू नो डायग्नोसिस को सपोर्ट करना भी एक वो चीज होती है, तो दैट्स व्हाई वो है, लेकिन मेरे ख्याल से बायोप्सी इज द नंबर वन थिंग। एक और अच्छा सवाल लिखा है, जाइंट सेल्स का विद फॉरेन बॉडी ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ सैंड वर्कर इज ड्यू टू सिलिकोसिस। जाइंट सेल्स याद रखिएगा हमेशा वहीं आएंगे जहाँ कोई
पार्टिकल पड़ा होगा उसको ग्रैस्प करने आते हैं मैक्रोफेजेस, और अपनी इस पूरी गेम में मैक्रोफेजेस ट्राई टू फाइट विद ईच अदर, और इस फाइट में वो एक जायंट सेल बन के जमा हो जाते हैं वहां पर। वो पार्टिकल वहीं रहता है लेकिन उसके इर्द गिर्द एक झूठा मूठा फॉल्स सा ग्रेनुलोमा बन जाता है, इसमें कोई इम्यून रिएक्शन नहीं हो रहा, जस्ट उस जंग के अंदर वो बन गया है ग्रेनुलोमा, इसलिए उसे कहते हैं नॉन इम्यून ग्रेनुलोमा, उसमें कोई एज सच रिएक्शन नहीं होते, वी डोंट हैव एनी रिएक्शंस इन दैट, एंड उसमें जस्ट यू सी इट्स फॉरेन बॉडी रिएक्शन, तो उसमें आपको ये कर सकते हैं फाइन। आगे बोलिए, आगे था ठीक है। हीलिंग की मैंने बात कंट्रोल करना चाह रहा था आपसे कि हीलिंग जो है ऑफ वुंड, ये देखिए सवाल नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको लिखाता हूँ, ये देखिए आप हीलिंग ऑफ वुंड फाइन। और हमने कॉलेजन की बातें अभी तक की नहीं, उसने कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉलेजन की बहुत सी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, 2, 3 और 4। हीलिंग में बेसिकली दो कॉलेजन जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। स्टार्ट में टाइप 3 होता है जो कि बाद में टाइप 1 से रिप्लेस हो जाता है। टाइप 1 इज फाउंड इन 90% एरियाज, बोन्स, स्किन, यू सी वहां हर जगह पर ये पड़ा हुआ है, तो अगर बोन स्किन कितने बॉडी में है तो वो तो ज्यादा ही होगा। टाइप 3 इज मोस्टली रेटिकुलर एंडोथेलियल एरियाज में होता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज रेटिकुलर फाइबर्स फाइन, और उसका अपना एक वो है। तो इनिशियल फेजेस में आपको कहता है, एक सवाल करता हूँ यहाँ से किसी से आपसे, मुझे बताओ कि वैसे दो हीलिंग्स होती हैं, प्राइमरी हीलिंग सेकेंडरी हीलिंग, विच सेल इज द प्राइम वर्कर फॉर सेकेंडरी हीलिंग, एनीबडी वॉलंटियर आ जाओ मैदान में। कौन सा फाइब्रोब्लास्ट, चलिए मैं ऑप्शन लेता हूँ, आपने कहा फाइब्रोब्लास्ट, और कोई है बड़ा होता है तो उसमें वुंड कंट्रैक्शन होती है, तो वुंड कंट्रैक्शन का जो काम है ये आपके फाइब्रोब्लास्ट नहीं, ये आपकी मायोफाइब्रोब्लास्ट संभालते हैं, तो इसलिए दैट पार्ट इज, ये बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है बाय द वे सेकेंडरी हीलिंग का। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ द यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स एक बड़ा वेरिएबल मजेदार टॉपिक है, और मैंने बताया था आपको उसके लिए मायोमस कहते हैं माइक्रोस्कोपी के थ्रू, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आती रहती हैं। जो आपने ऑप्शन दी इन्होंने ये बिल्कुल बेतुकी ऑप्शन है, जो कि मैं नॉर्मली अपनी रूटीन में नहीं देखता, हम देखते हैं हाईलाइन बिकॉज वी हिस्टोपैथोलॉजिस्ट गेट द मोस्ट ऑफ फाइब्रॉइड्स, हम ही तो हमारे पास ही वो आते हैं, लेकिन उसमें इस तरह का चेंज मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, एक चेंज इनमें से है जो हमने देखा है, जो कि राइट आंसर है, वो है डी, रेड डिजनरेशन, जब बहुत हेमरेज शुरू हो जाता है, रेड कलर आता है हेमरेज की वजह से, कभी कभी हाईलाइन चेंज आ जाता है, कभी कभी जॉइंट सेल आ जाते हैं लियोमायोमा के अंदर, कभी कभी बिजार सेल्स आ जाते हैं, बिकॉज लियोमायोमा के बहुत सारे वेरियंट्स भी हैं। कैन यू इमेजिन कि लियोमायोमा कभी कभी वेन्स के थ्रू फैल भी जाता है, रहता वो बिनाइन ही है, बट उस टर्म को कहते हैं इंट्रावेनस लियोमायोमाटोसिस, यू सी जैसा कि बहुत चीजें हैं जो आपको मिलती हैं और वेरिएंट्स होते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, बट हम इतना हाईफाई नहीं पूछेंगे, हमें पता है कि यू नो सी उस तरह से, तो हम उसको रखेंगे आपके उस तक। अच्छा जनाब, इन रीपरफ्यूजन इंजरी देखते हैं आप क्वेश्चन, फ्री रेडिकल्स आर रिलीज फ्रॉम, ऑब्वियसली बात है द मेन सेल जो एंजाइम निकालता है इन चारों में से वो है न्यूट्रोफिल्स फाइन, और ये भी जानते हैं आपके रीपरफ्यूजन में दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है इंक्रीज कैल्शियम और दूसरा होता है इंक्रीज फ्री रेडिकल्स, ये दोनों मिलके रिपरफ्यूजन में अपना तबाही वाला पूरा काम करते हैं और तबाह कर देते हैं पूरे स्ट्रक्चर्स को। जनाब, लॉस ऑफ पोलैरिटी यानी कि सेल्स नहीं होते, लॉस ऑफ पोलैरिटी ऑफ सेल्स इज मेटाप्लाज्म होता है, मेटाप्लेजिया इज वन सेल चेंज, एनाप्लेजिया इज टोटली अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर, बहुत बुरे हालात हैं ट्यूमर के, सो मेन लॉस ऑफ पोलैरिटी कहाँ मिलेगी आपको, डिस्प्लेसिया में, बिकॉज एनाप्लेजिया में इससे नहीं होगी बिकॉज वो बहुत ही खराब होता है, तो कोई सवाल ही नहीं है पोलैरिटी के लॉस होने का, वो तो है ही इनपोलराइज्ड चीज, सो वी विल गो फॉर डिस्प्लेसिया, बिकॉज जो डिस्प्लेसिया है ना ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म है फॉर एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यू छुपे होते हैं, और डिस्प्लेसिया जो है इट्स अ प्री कैंसरस लीजन, और
मुझे कल कुछ सवाल करा था, मुझे वैसे हंसी भी आ रही थी कि ये क्या सवाल थे, मतलब तो दिए जाते हैं कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि कंडीशन क्या है और लीजन, आई मीन क्या हो गया, सब चीजें होती हैं। मैंने बताया था कि कंडीशन और चीज है, लीजन और चीज है। लीजन जो है बेसिकली एक ऑर्गन में एक साइट पे डिस्प्लेसिया हो रहा है, कैंसर स्टार्ट हो रहा है, और वो बाद में जो डिस्प्लेसिया है उसकी तीन कैटेगरीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और माइल्ड में आपका एपिथेलियम का 1/3 लोअर पार्ट होगा इन्वॉल्व, खराब होगा, फिर 2/3 होगा टू में यानी मॉडरेट में, और सीवियर में पूरा एपिथेलियम खराब हो जाएगा। तो उसके बाद आता है फुल थिकनेस पे आके अगर डिस्प्लेसिया हो जाए और अभी तक इन्वेजन नहीं हुई मेम्ब्रेन की, बीएम की, तो उसे कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू। तो कार्सिनोमा इन सब में सबसे आगे है, द मोस्ट प्री कैंसरस लीजन इज कार्सिनोमा इन साइटू, भी एमसीक्यू आता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा प्री कैंसरस कौन है। तो सर, अगर कार्सिनोमा, जी जी बताइए सर, आपने वो वहीं पर किसी ने सवाल, आपने वो वहीं पर किसी ने सवाल, कैविटी का पोस्ट प्री ओरल कैविटी का पोस्ट कॉमन प्री कंडीशन क्या होगी, तो उसके अंदर ना कंडीशन क्या होगी, तो उसके ना या होगा, मुझे आपकी बात भी साफ नहीं आ रही, कंडीशन क्या होगी, दो ऑप्शंस क्या है, लिकोप्लेकिया या ओरल कैविटी की प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस क्या क्या है आपके पास, सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ल्यूकोप्लेकिया, अब वही बात है ना, कंडीशन है यानी ओवरऑल एक कंडीशन है, दीस बोथ थ्री थिंग्स आर प्री कैंसरस, दीस बोथ थिंग्स आर प्री मैलिग्नेंट। लेकिन जो कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक लीजन की बात नहीं कर रहे, तो विल गो फॉर सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, ठीक है ना, तो कंडीशन है इन्वॉल्विंग ओवरऑल। अगर लीजन कहेंगे फोकल लीजन, तो उसमें ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया या ल्यूकोएरिथ्रोप्लेकिया कुछ भी आ सकता है, फाइन। तो लीजन जो है ना स्टूडेंट्स, वो एक चीज होती है, वन ऑर्गन की वन साइट, दैट इज अ लीजन। कंडीशन ओवरऑल बॉडी में चल रही होती है, और उसमें फिर देखे ना, अगर एसएलई है एक पेशेंट को ओवरऑल, तो उसमें कहीं ना कहीं बाद में खराबी हो सकती है, ये बात होती है, फाइन। कंडीशन इज अ बिग टर्म, इट्स अ ब्रॉड टर्म, और बाकी चीजें जरा वो होती है। एक बड़ा सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आपके अपर लेयर के नीचे एट द डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, और वो एक बहुत तरह की लीजन है, सेल्फ लिमिटिंग भी होती है, ट्रीटमेंट से ठीक भी हो जाती है, तो कोई आज तक हमें कन्विंसिंग बात नहीं मिली कि लाइकन प्लैनस जो है वो प्री कैंसरस है नहीं है, हमने आज तक नहीं सुना कैंसर का होने का, इट्स नॉट हार्मफुल और अ फेटल डिजीज, इट्स जस्ट गोज अवे बाय इटसेल्फ इन टाइम, बट कैन पर्सिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, बट स्टिल इट्स नॉट प्री कैंसर एट ऑल, फाइन। इसमें जस्ट एक बैंड बनता है इन्फ्लेमेटरी सेल्स का, थैंक यू, ठीक है। Any other questions till now? Yes sir, मेरा question था। Yes sir, मेरा question था। 200 points से, sir आपके जो 200 points से, उसमें 120 pathology के points है, उसमें 150 one number पे। लीकोप्लेकिया को अपने condition का है। अच्छा नहीं, बात सुनो, उसके मैं ठीक कर दूँगा, no worries, मैं ठीक कर दूँगा। पता हम जो histopathologist है ना, हम लीजन या कंडीशन को इतनी बड़ी चीज नहीं मानते, हमारे लिए यही बड़ी बात होती है कि एक प्री मैलिग्नेंट चीज है क्या। अब ये आपको उधर डॉच करते हैं हम लोग एग्जाम्स में, वरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर आपने उसको कंडीशन लिख दिया ना अपनी रिपोर्ट में, हमारे पास रिपोर्टें आती हैं, तो हम उसको गलत नहीं मानेंगे, वो जरा चूंकि बहुत ही ग्रेस्पी थिंग है, एक कॉन्सेप्चुअल, तो उसके बताते हैं आपको, आई विल करेक्ट दैट टर्म इन द पॉइंट स्टोन, नो वरीज, फाइन जी, ओके थैंक यू, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जी ओके थैंक यू। नेसोफेरिंजियल कार्सिनोमा किस के साथ एसोसिएटेड है, इस तरह से वायरस पूछ रही, तो बड़ा आसान सवाल होते हैं ना, मजेदार किस्म के, आप सब जान, ये तो आपने आराम से टिक करके चले जाना, ये तो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और सब जानते हैं कि एफसीन बार वायरस क्या है, ठीक है। मुझे बताएं कि हॉजकिन लिम्फोमा जो रीच-स्टर्नबर्ग सेल है, वो एक्चुअली कौन सा सेल है, एनीबॉडी, शाबाश, जाइंट सेल की है, लेकिन असल में अगर हम पैथोलॉजिकली बात करें, फर्स्ट क्या एमसीक्यू आता है,
Preach Trayambak cell is a सवाल आया आपको Preach Trayambak cell is a आगे semicolon a histiocyte b immature tissue macrophages c t lymphocyte d plasma cell और e b lymphocyte तो आपकी राइट ऑप्शन क्या होगी और कोई है और फिर वो आके ट्रांसफॉर्म होके बन गया एक खतरनाक सा जाइंट सेल. फाइन, आपको बताना कि हॉजकिन लिम्फोमा वो वाहिद ट्यूमर है जिसमें 100 में से 10-15% ओनली ये होता है, बल्कि और भी कम होता है नियोप्लास्टिक एलिमेंट. बाकी सारे सेल्स बैकग्राउंड में बिनाइन होते हैं, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस, सब पड़े होंगे, लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं रीड स्टनबर्ग सेल. और हॉजकिंस की भी कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो बायोप्सी ही है. आप मेरे लेक्चर सुनेंगे इसके बाद अभी रिकॉर्डेड हेमेटोलॉजी का, यू विल गेट टू नो ऑल द बेसिक पॉइंट्स ऑफ हेमेटोलॉजी क्वेश्चंस जो इस तरह के आते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं उसमें. फाइन जी जनाब, द म्यूटेशन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इज बाय, ये सबको आना चाहिए, तो बता चुका हूं बहुत सारे आपको. कौन सा प्रोटो ऑन्कोजीन क्लासिकल एग्जाम्पल है ऑफ पॉइंट म्यूटेशन? शाबाश, मैंने अभी पढ़ाया आपको लेक्चर में. अच्छा, RAS जीन जो है ना इज एन क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. बेसिकली वो क्या है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कन्वर्ट होता है ऑन्कोजीन में थ्रू पॉइंट म्यूटेशन. अच्छा जी, ये सवाल देखे जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कीमोटैक्टिक फैक्टर? ये तो आसान सवाल है. नहीं, अगर आपको C5A की ऑप्शन नहीं दी गई एमसीक्यू में था और उसमें ल्यूकोट्राइन B4 दिया गया है तो उसको टिक करेंगे आप, ठीक है? तो इसमें बड़ा ऑब्वियस पड़ा हुआ है, टॉप नंबर पे कीमोटैक्सिस में C5A ही आता है. आपने नहीं भूलना कॉम्प्लीमेंट का 5A जो है ना एक मेन फैक्टर है इसका, कीमोटैक्सिस का. और वैसे एनाफाइलेटॉक्सिन में भी आता है ये C3A, C4A, C5A, दीज ऑल आर फाइन. ठीक हो गया, आगे चलेंगे. हाँ, ये patient died of MI on autopsy, there were neutrophils with necrotic area, necrosis ho chuki hai confirm, after MI these changes occur in, to janab shuru mein to inflammatory cells aayenge jo aake attack karenge aur aake hote hain hairan ki hua kya hai, aur puri necrosis evident hone mein aapko almost 48 hours lag hi jate hain. To kitabein jo hai kuch mein controversial terms bhi, kuch mein kehte hain 36 hours, kuch mein kehte hain 48, लेकिन स्टिल ओवरऑल जो हम लोग मुत्तफिक हैं वो 48 पे ही हैं. सो 48 में आपको आराम से ये निकोसिस मिल जाती है. फाइन, अ यंग बॉय विद वन टेस्टिस इन इंगोइनल रीजन इज एट रिस्क ऑफ बेसिकली, या बिकॉज देखें अब ये जो है ये और ऐसे जो चीजें होती हैं जो वैसे पड़ी हो और उसमें कुछ ना हो ऐसे फंक्शन वाइज, तो वो एक तरह से सॉइल बन जाती हैं, फर्टाइल सॉइल फॉर अ मेलिग्नेंसी और फॉर बैड थिंग, तो उसमें फिर ये नियोप्लास्टिक एलिमेंट आ जाता है. फाइन, आगे चलेंगे. चाइल्ड हैज अ कोलोनिक पॉलिप एंड रेक्टल ब्लीड, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिप इट इज? अगर आपको थोड़ी सी बात करूं पॉलिप्स के बारे में, हम लोग रोज पॉलिप्स देखते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजीज में. बच्चों में जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना रेक्टल पॉलिप की, वो है हाइपरप्लास्टिक पॉलिप. व्हाइट हाइपरप्लास्टिक तो बिनाइन होता है, इसमें कोई चांस नहीं मैलिग्नेंसी का, और ये बड़े मासूम से होते हैं, मतलब मासूम इस सेंस में इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं आती. लेकिन हाँ, जो एडिनोमेटस पॉलिप्स हैं जो कि एडिनोमस बन जाते हैं कोलन में, इनकी तीन टाइप्स होती हैं, ट्यूबुलर एडिनोमा, विलस एडिनोमा और ट्यूबुलो विलस एडिनोमा, वो सब तीनों टाइप्स जो है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स में आती हैं और वो प्रीडिस्पोजिंग होते हैं टूवर्ड्स मेलिग्नेंसी और उनसे आराम से कार्सिनोमा अराइज कर जाता है. फाइन, मुझे बताएं कि
सबसे ज्यादा रिस्क में कौन सा पॉलिप होता है टू इंड्यूस अ कार्सिनोमा? विलर सेरिनोमा ऑफ मोर देन 4 सेंटीमीटर साइज इज हाई रिस्क फॉर अ मैलिग्नेंसी ऑफ कोलोन. फाइन, कोलोन ये स्पेशल थॉलजी का सवाल है, उन्होंने यहाँ दे दिया है आपको. ओके, आपको तो पता है कि ब्रश पाउडर और क्रेसेंट्स और क्रॉनिक डायरिया, इट्स ऑल सीन इन जायडिया. तो अभी मुझे बहुत सारे सवाल कर रहे थे कि वो हमने चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट्स, वो आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर देगा, मैं बता रहा हूँ आपको ऑफ दैट. तो डॉक्टर हीरा आपको दे देंगे बाद में, ठीक है? डॉक्टर हीरा विल टेल यू अबाउट दैट कि वो कब देंगे आपको. फाइन, और फाइन, ड्राई कफ एंड हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. यहाँ आ गई एक टर्म, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. Typical of sarcoidosis. आपको free radicals are removed by actin, myosin, transferrin, cerebroplasmin. Yeah, for of course, but a very famous question it is, and it is for sure transferrin. Fine. इसको छोड़ दें. Yeah, viruses cause cancer by altering the मजेदार सवाल है. Yeah. So now you will have a concept ना कि proton oncogenes, oncogenes कैसे बनते हैं? पता है ना आपको सब कुछ ये. एक म्यूटेशन, सेकेंड ट्रांसलोकेशन, एंड थर्ड इज एम्प्लीफिकेशन. फाइन, या मुझे बताएं कि लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हिच इज द फेमस, व्हिच इज द ट्रांसलोकेशन फॉर बर्किट लिम्फोमा? सर T814. हाँ सर, T814 है, सीमिक एंड 814. फाइन फाइन फाइन, बिल्कुल Okay, cause ka sawal same aur repeat hua hai. Patient presented with cellular atypia on biopsy, loss of cellular polarity. Is his example? Example of dysplasia. Loss of polarity means koi arrangement nahi hai, koi, ha, there is no arrangement, there is no organization and it's all fine. Typical dysplasia. A patient presented with tuberculosis biopsy has been done, and which type of cells are present? Basically, epithelioid cells which are actually macrophages. Lekin lymphocytes bhi hote hain. So we can say both. But ek sawal aata hai ki which cell is the main cell for to label a granuloma. So then you have to take epithelioid cells. No giant cells, no caseation. So usme kuch chakkar nahi hai. Lekin, ek sawal aata hai, mujhe yaad aa gaya, ek sawal aata hai ki a tuberculous granuloma is confirmed by the presence of, उसमें यू कैन टेक केजिएशन नेक्रोसिस, बिकॉज़ दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग केजिएशन होती ही टीबी में है, जो बाकी ग्रैनुलोमास में केजिएशन नहीं होती है, दैट्स व्हाई उसमें आप टेक कर सकते हैं ऑन केजिएशन नेक्रोसिस. फाइन, ऑटोइम्यून डिजीज व्हिच इन्वॉल्व्स वन सिंगल ऑर्गन. सी, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. या थायराइड को इन्वॉल्व कर रही है और एक ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही है, ऐसा नहीं तो पता पूरी बॉडी में इन्वॉल्वमेंट सब इसलिए बहुत हो जाता है. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ दीस क्रेसेंट्स? क्रेसेंट इज फॉर्मड बाय, अब एकदम से उन्होंने ये सवाल डाल दिया स्पेशल पैथोलॉजी का आउट ऑफ द वे जाकर. क्या कहते हैं आप लोग, अच्छा आपको आइडिया है इसका? बेसिकली क्रेसेंट्स जो है ना, इसकी दो टाइप होती हैं, फाइब्रोटिक क्रेसेंट्स और एपिथेलियल क्रेसेंट्स. मैंने ये सवाल देखा था, मुझे ये सवाल का मजा का लगा नहीं है. आई विल वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, आई विल लेट यू नो ऑन टेलीग्राम, बिकॉज इसमें मेरे हिसाब से एपिथेलियल लेयर से भी क्रेसेंट बन सकता है, फाइब्रोसिस से भी, और सेकेंड पार्ट भी ठीक है, पैराइटल सेल लेयर ऑफ बाउल कैप्सूल. तो इसलिए आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स कि ये इसका सही जवाब क्या है, बिकॉज मेरे ख्याल इन्होंने गलत लिखा हुआ है, बट लेट मी कंफर्म दैट, बिकॉज क्रेसेंट्स दो टाइप्स की होते हैं, एपिथेलियल और फाइब्रोटिक. ये सर कहीं पे दो चीजें पड़ी थी कि कहीं पे दो चीजें पड़ी थी, प्रेजेंट होते हैं जो हॉलमार्क होते हैं इन्फ्लेमेट, ग्लोमेरुलर प्रेजेंट होते हैं जो हॉलमार्क होते हैं इन्फ्लेमेटरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के. ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओके, फाइन. और हिस्टोलॉजिक मार्कर होते हैं सीवियर ग्लोमेरुलर एंजियल, और हिस्टोलॉजिक मार्कर होते हैं सीवियर ग्लोमेरुलर एंजियल के.
basically glomerular crescents jo hai na, they actually are sign of damage to kidney, and they when they are seen in the kidney biopsies, they reveal that the progress has crossed the limit and the kidney is going through a disastrous progressive phase. That's why these crescents are typically seen in a rapidly progressive type of glomerulonephritis, which is a nasty one. Crescents presence show bad condition of kidney, advanced condition. Crescents ka aana bahut bura sign hota hai patient ke liye. So that shows ki glomeruli ab kaam karna chhod rahe hain aur halaat ab ja rahe hain towards bad. Fibrosis start hone lag gaya. Aapki jo capillary loops hain, they are being replaced by these crescents, which can be at epithelial side or the fibrotic side. Fine. So crescents are seen in a rapidly progressive glomerulonephritis. ठीक है. Grading is used for easy question again. Metastasis, no. Differentiation, of course, yes. And pleomorphism. Though we also have pleomorphism and atypia, but more we go for differentiation. Fine. Okay. The sarcoidosis में main cells कौन से होते हैं? Helper T cells होते हैं. ये भी सवाल पड़ा हुआ. Center में देख सकते हैं आप. So again, repeat हुए हैं सवाल काफी सारे. We just wanted to discuss the format of these type of shows. Mast cell histology will show. Reed-Sternberg cell, not at all. Please. कोई तुक नहीं बनता. Merkel cell, not at all. But yes, they are metachromatic. What is metachromasia? Actually, होता क्या है कि mast cells contain granules. ये सबको पता है. और जब इन granules को हम special stain के through stain करते हैं, so these granules take a different color. So this difference of color in staining is called metachromasia. Different color aa jata hai. This phenomena is depicted by these cells. That's why inko kehte hain ki ye metachromatic histology show karte hain on special stain. Myasthenia gravis, which type of hypersensitivity reaction? You all know that after the lecture now. Type 1 2 3 4 kaun sa type hai? Myasthenia. बताइएगा कौन. या टाइप टू एग्जैक्टली. और बताएं और ये बहुत बार पास्ट में भी आया. कुछ से कह रहे हैं तो बताओ कि टाइ. अच्छा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस व्हिच टाइप सर? 4 टाइप 4 या टाइप 4 सर? 4 टाइप 4 ट्यूबरकुलिन टेस्ट डाइफोर प्रीडोमिनेंट है ना? ठीक है. टाइप 4 भी है और उसके कुछ एलिमेंट टाइप 3 का भी आता है. तो इसी दोनों का मर्ज हो जाती है. फाइन. कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसमें दो दो चीजें आ रही होती हैं. लेकिन एसरी में भी दो और टू और थ्री दोनों आ सकते हैं, लेकिन थ्री ज्यादा होता है. जनाब, न्यूट्रोफिल्स किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय व्हिच मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन बर्स्ट, डैमेज सेल मेम्ब्रेन. ये भी आसान सवाल है. जहां फ्री रेडिकल्स आ गए फिर वहां कुछ और नहीं होता. ठीक है ना? ओके वेट. ये आसान सवाल है. हाँ, ये आपको पता है patient presented with ANCA positive. Do you have any idea of ANCA? ANCA kya hota hai? It's a special pathology question actually. Sir, ye fibrinoid necrosis mein hoga vascular. Wo to theek hai, lekin hota kya hai? You have an idea? Sir, ye antibodies. These are auto antibodies. बड़े खतरनाक होते हैं. बड़ा रिसेंट कॉन्सेप्ट सामने आया है इसका कि एनका दो टाइप्स के होते हैं, एमपीओ एनका, प्रोटीनेज एनका. इस पर डिफरेंट मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक्चुअली एंटीबॉडीज हैं जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं और जो टिश्यूज हैं उनके अगेंस्ट एज अ बनते हैं रिएक्शन के तौर पर. समझते हैं? एग्जैक्टली. और टिपिकली ये होते हैं वेसल्स में. जब वेसल्स में, यू ऑल नो दैट वेसल्स की फेवरेट नेक्रोसिस कौन सी है? Fibrinoid necrosis. तो वो तो जाहिर सी बात है. Testicular swelling with all tumor marker. ये क्या सवाल है वैसे? भाई मुझे समझ नहीं आता कि इस सवाल का मुझे कुछ समझ नहीं आया अभी तक.
लेकिन बहरहाल चले, जिसने पूछा है पूछना चाह रहा होगा विद ऑल ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल इज लिम्फोमा, कोई ट्यूमर मार्कर का हेल्प सेमिनोमा जो है ना दैट इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। 40s में अगर कोई भी आपको सिनेरियो आता है और एक मेन लंप बना हुआ है, ब्राउन ट्यूमर है, तो वो आपका सेमिनोमा ही होगा। व्हाई इट्स कॉल्ड सेमिनोमा, बिकॉज़ ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अराइज करता है। पहली बात, इसकी खासियत ये है कि ये रेडिएशन सेंसिटिव होता है, इट्स अ हाईली सेंसिटिव ट्यूमर। नंबर 3, इसमें बहुत सारे मार्कर्स आप कर लेते हो टू रूल आउट थिंग्स। वो मतलब मार्कर्स डायग्नोसिस तो नहीं होता लेकिन वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्लैप हो गया और इस तरह से HCG भी, क्योंकि अगर इसमें ट्रोफोब्लास्ट पड़े हों एलिमेंट तो उसमें HCG भी पॉजिटिव आता है, प्लैप भी पॉजिटिव आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें तो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं उसमें, लेकिन बाहर हाल से मार्कर्स होते हैं। BPH के अपने मार्कर्स हैं, लाइक पैप हो गया, एसिड फॉस्फेटेज, इस तरह की चीज़ें। तो लेकिन जो लिम्फोमा है ना, इट्स बेसिकली मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड सेल्स, और उसके लिए कोई मार्कर नहीं होता इस तरह का जो ट्यूमर मार्कर्स में उसकी हेल्प कर सके। हाँ, लिम्फोमा को कन्फर्म करने के लिए हम इम्यूनो मार्कर करवाते हैं। और मुझे आप लोग बताओगे कि यूनिवर्सल एक तो मार्कर लिम्फोमा का हम जानते हैं कि LCA होता है, मैंने बताया था आपको, लेकिन यू शुड नो एज अ स्टूडेंट कि 20 लिम्फोसाइट्स के क्लासिकल मार्कर्स कौन से हैं, CD कौन कौन से हैं जो कन्फर्म करते हैं कि दिस इज बी सेल लिम्फोमा। एनीबडी विच इम्यूनो मार्कर्स? CD, मुझे आवाज नहीं आ रही, बताइए। प्रैक्टिकली जो हम करते हैं पास करते हैं, हम रूटीन में रोज करते हैं, वो है CD19 एंड CD20 एंड थर्ड इज CD79A। ये है क्लासिकल बी सेल मार्कर। और टी सेल मार्कर्स तो आप लोग जानते हैं, सारे शुरू के मार्कर्स हैं, CD3, CD5, CD4, CD8, हाँ सारे शुरू के हैं। करते हैं प्रैक्टिकली हम, 3 है, 5 है, 8 है और 4 है, ठीक है। लेकिन 4 भी काम करते हैं, ज्यादा 8 ही करते हैं, 5 और 3 करते हैं, फाइन, कंफर्म कर देते हैं। उसके अलावा बताओ कि कौन सा मार्कर है रीड स्टर्नबर्ग सेल का? 15 and 30. कोई सवाल कर ले, हम कुछ बताइए बताइए सर। एंटीऑक्सीडेंट में अगर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन में हो और विटामिन ए भी हो तो विटामिन ए पहले, बिल्कुल सही है जी, विटामिन ए पहले, नो डाउट अबाउट इट। और सर विटामिन सी उसके बाद देखो विटामिन सी, अगर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं फिर आप विटामिन सी पे जाइए, अगर आपके पास सिर्फ विटामिन ई और ट्रांसपेरेंट पे फिर विटामिन ई पे आइए, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंट पे आएंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सबसे नीचे आएगा इन सब में से, फाइन, इन ऑप्शंस में से। देखेंगे आप कि पावरफुल नाम सबसे पहले इसी का आता है, विटामिन सी का, फिर ई का आता है। लेकिन स्टिल आई विल कंफर्म फॉर यू पीपल के SPF पावर में की में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ आपके लिए, नो वरीज, ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट। बहुत सारे स्केवेंजर्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस को, और उसमें फिर ग्लूटाथायोन भी आ जाता है फॉर श्योर, कैटालेज भी आता है, तो ये सारे आ जाते हैं, इसलिए वो सब है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको जब देंगे ना तो आपको एक या दो ही होंगे तो जरा टॉप पे वो आपके उसमें करेंगे, आपको ये नहीं है कि सब सब दे देंगे आपको, 500 में 500 बता दो क्या है जी, ठीक है ना। मैं आप लोग सवाल कर ले, MCQs तो बहुत हो गए हैं, वो होते रहेंगे। MCQs के लिए फोरम ओपन है आपका टेलीग्राम का, आप जब भी चाहें मुझसे सवाल कर सकते हैं, नो वरीज एट ऑल, ठीक है। सवाल तो बहुत है, कौन से वाले सर? डेफिनेटिव टेस्ट हो या डायग्नोस्टिक टेस्ट कंफर्मेशन के लिए तो हम AFB ये तो करेंगे ना, TB के लिए करेंगे ना, TB के लिए। तो देखिए ये बात सुनो, इसमें भी दो डिबेट्स हैं। देखिए एक जो हमारे है ना पैथोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि
AFP is the best, fine. लेकिन अक्सर जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी जो टीबी कल्चर है ना वो मेन चीज होती है. तो अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है फॉर ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि हम तो अपने पास हमेशा तमाम बायोप्सी वगैरह पे तो हम वही करवाते हैं, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि आप जो हमारा मेन है ना हिस्टोपैथोलॉजिस्ट का जो पूरा एक गैदरिंग है उसमें हम लोग आपस की बात है कल्चर पे ही जाते हैं. तो आप कल्चर पे जाने को आई एम श्योर इन्होंने एमसीक्यू में कल्चर ही किया होगा, इन्होंने कभी भी उस पर नहीं दिया होगा दैट इज स्टेन फॉर एएफपी. हालांकि मेरे नजदीक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर है आप अपनी आंखों से देख रहे हो एक एसिड फास्ट बेसिलस को तो वो कॉमन होता है, लेकिन स्टिल जो आपकी 70-60% हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट दे एग्रीड ऑन दिस थिंग कि टीबी कल्चर जो है ना वो बेस्ट है. सर एक एमसीक्यू है लास्ट मेडिएटर ऑफ एसपी आ गया आज करेक्ट एमसीक्यू है लास्ट मेडिएटर ऑफ एंडोटॉक्सिक लास्ट मेडिएटर ऑफ मतलब की बात एंडोटॉक्सिक शॉक सर एमसीक्यू है लास्ट मेडिएटर ऑफ एंडोटॉक्सिक लास्ट मेडिएटर ऑफ एंडोटॉक्सिक शॉक. अच्छा ठीक है, देखिए शॉक की बात कर देन आप तो इसमें बहुत सारे वो हैं, इसमें कोई कहना कि ऊपर कौन सा नीचे कौन सा ये एग्जैक्टली होगी मतलब बहुत सारी चीजें हैं पता ना आपको, तो इसलिए इसमें कोई ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं बताएं. इंटरल्यूकिन 1 के बाद कौन तो स्टार्ट किया कौन सा मेरा अपना ख्याल है कि इंटरल्यूकिन 1 टीम एक होगा, लेकिन आई विल कंफर्म फॉर यू, नो वरीज कंफर्म कर दूंगा मैं आपको IL-1 या TNF में से कौन सा है जो अपने एग्जाम में है आपके. ठीक है मैं आपको बता दूंगा. और सर रेडिएशन का रेडिएशन सर आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स या 15 इयर्स सर आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स या 15 इयर्स वाला है जो मोस्टली है, लेकिन वो है एडोलेसेंस में या उस तरह में, लेकिन जो बच्चों में है वो यंग एज में हो जाता है. बच्चों में ल्यूकेमियास कॉमन है और जो एडोलेसेंस में पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है, तो इसलिए ठीक है ना. तो इसलिए अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी एज देंगे आपको उस वक्त कौन सा लिखेंगे तब उस पर आप टिक कीजिएगा. फिर उसके हाथ से सर ये क्वेश्चन क्या था. नहीं क्वेश्चन देखिए वो ये था ना कि क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन क्या था कि जैसे किस एज में ज्यादा कॉमन है रेडिएशन के थ्रू ट्यूमर्स, पता ना वो जो रेडिएशन है वो कैंसर कॉज करती है, बच्चों में ज्यादा ल्यूकेमियाज हैं और जो एडोलेसेंस एज है टीन एज है उसमें ज्यादातर पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है. फाइन, तो इसलिए इन दोनों कैटेगरी में आपको एज देनी पड़ेगी कि किस एज में ज्यादा होगा. सर लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कितने इयर्स में हो जाता है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कितने इयर्स में हो जाता है रेडिएशन के बाद से. देखो मैं बताता हूँ, लेट मैं बताता हूँ, लेकिन जो है ना ये एक आप जो टर्म यूज करें डिसऑर्डर एक बड़ी ब्रॉड टर्म है फ्रेंकली स्पीकिंग, और ये बहुत बड़ी टर्म है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें कोई एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है लिम्फोसाइट्स की, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है. उसमें आप कैन बी अ प्री कैंसर लिम्फोइड लीजन, कैन बी लिम्फोमा, अगर वो है आप उसको आराम से दे सकते हो कि ये उसमें फिट हो रहा है. फाइन, लेकिन कोई एज सच वो नहीं है. लेकिन ऑप्शंस क्या बताइए मुझे आपके एमसीक्यू की, कुछ ईयर्स क्या बताइए ऑप्शंस क्या है ईयर की. सर एक पास्ट पेपर्स में बस सीधी लाइन दी गई है कि अगर एक पास्ट पेपर्स में बस सीधी लाइन दी गई है कि अगर वो रेडिएशन है ना तो वो ज्यादा प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर कराएगा और अगर ज्यादा देर हो गई है तो फिर वो मैं बता दूं. देखिए होता क्या, स्किन मैलिग्नेंसी आएंगे जितने भी आपके एलपी डिसऑर्डर्स है ना ये यंग एज में होंगे, मतलब बच्चों में या फर्स्ट डेकेड में ज्यादा होते हैं ल्यूकेमियास वगैरह इस तरह की सारी चीज. फाइन, लेकिन जो आपकी स्किन कैंसर्स हैं वो सब बाद में होंगे इन एडल्ट एज, और जो आपके एडोलेसेंस में है उसमें आपका थायराइड के कैंसर्स होंगे. इसी तीनों ब्रैकेट आप संभाल लें कि बच्चों में ज्यादातर ल्यूकीमियाज हैं या लिम्फोमास हैं फॉलोड बाय कार्सिनोमा ऑफ थायराइड एंड फॉलोड बाय स्किन कैंसर्स इन एडल्ट एज. ठीक है, तो इसलिए आप आराम से उसको जी सर किस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि रेडिएशन अगर हम दे रेडियोथेरेपी मतलब उस तरह से ठीक है तो
तो उसके बाद कितने ईयर के बाद चांसेस है कैंसर होने के? आपको अगर प्रैक्टिकल बातें करूँ ना मैं, तो इस सवाल का कोई लॉजिक नहीं, आपस की बात है। रेडिएशन के बाद कभी भी हो सकता है। I know, मैं खुद जब सवाल देखता हूँ, अब वो सवाल था कि टेस्टिकुलर मार्कर जिसमें पॉजिटिव नहीं आता, तो वो क्या सवाल है सीरियसली? लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ, मैं काम करता हूँ कि मैं आपके लिए इतना कर लेता हूँ कि मैं जो आपके ना क्यूरी वाले क्वेश्चन को मैं ना आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कि चांसेस क्या है एक्चुअली, ठीक है? आई विल लेट यू नो ताकि आप लोगों का आपका ये पॉइंट जाया ना हो, ठीक है ना? मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा कि क्या एग्जैक्ट जवाब है इसका। फाइन क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है इंसिजन विद शार्प पॉकेट, इंसिजन विद शार्प पॉकेट, समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलिए। Skin incision with sharp object redness is skin incision with sharp object redness. मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आप बोलिए, आवाज साफ नहीं मुझे आ रही है। I don't know क्या कह रहे हैं आप, ये लिख के दे दो मुझे ये, हाँ मुझे मुझे उसमें मुझे लिख देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? Yes sir. No worries. So देखा आपने कि MCQs जो होते हैं वो at times तो बड़े simple होते हैं, लेकिन at times वो बड़े confusing भी होते हैं। लेकिन आपने carried away नहीं होना, क्योंकि हमें पता है कि आप किस category में और किस direction में जा रहे होते हैं। They just want to confuse you people. Fine. So no worries for that. और कोई भी आपका सवाल हो और कुछ चीज पूछनी हो, more than welcome in Telegram group. और इस session के बाद आपने जाना है, और हम देंगे lecture एक hematology का, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। इसे half an hour session, बहुत लंबा नहीं है, आपको bore नहीं करूँगा मैं उसमें। और उसके अलावा all the best for future. Stay connected. और आई एम श्योर कि आपकी पैथोलॉजी जो है वो अब बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? बाकी जो आपके पॉइंट्स वगैरह हैं वो सब दे देंगे आपको डॉक्टर हीरा वगैरह, कि क्या करना है उसमें, किस तरह जाना है। और ये 200 पॉइंट्स है ना आपने, ये तो आपने रट के जाने हैं, क्योंकि इसमें से काफी एमसीक्यूज आपके आराम से हो जाएंगे, ये तो आराम से। मैं आऊंगा जब कोई मसला नहीं, ठीक है? जब कहोगे मैं आऊंगा, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा। And thank you everyone. We'll see you soon. And please, thank you so much. Okay, Allah. Thank you so much.